हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एंटी एजिंग सीरम और क्रीम का रिव्यू लेकर आई हूं, जो मैं खुद अपने ऊपर यूज करती हूं, क्योंकि मैं कभी भी जो भी प्रोडक्ट आप लोग के सामने लेकर आती हूं उसे मैं खुद यूज किए रहती हूं, और मेरे फैमिली में कोई यूज कर लेता है तभी मैं उसका रिव्यू आप लोगों को देती हूं, कि खुद का मेरा एक्सपीरियंस होता है। तो मैं आज आप लोगों के सामने ओजीवा का एंटी एजिंग सीरम का रिव्यू लेकर आई हूं। मैंने इसे एक डब्बा मैंने यूज कर लिया है, ये मेरा दूसरा पैकेट है जिसे मैं यूज कर रही हूं, और जब भी 25 के बाद भी कोई भी इसे यूज कर सकता है, जिनका 25 साल हो चुका है उससे ऊपर के हैं तो वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जब जैसे मैंने इस्तेमाल किया, अगर आपको पहले से रिंकल आ रखी है तो उस रिंकल को ये नहीं हटाता है, लेकिन अगर आपको रिंकल अभी उतना नहीं आया या हल्का आ रहा है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। या फिर आपके चेहरे पे जो लाल लाल दाना हो जाता है, बहुत सारे मतलब दाग धब्बे रहते हैं, वो इससे बहुत जल्दी कम होता है, ये मैंने देखा। और ये इसको जब आप लगाओगे ना तो आपका स्किन में जो इसे बहुत ज्यादा ड्राई है तो हल्का आपको सॉफ्ट और मॉइस्चराइजर भी दे देगा ये स्किन में आपके। और इसके बाद आप जो भी मॉइस्चराइजर यूज करते हैं वो कर सकते हैं। और इसे आपको लगा के बस 2 मिनट के लिए अपने फेस पे लगा के थोड़ा देर के लिए छोड़ देना है, उसके बाद आप देखोगे कि 2 मिनट के अंदर ही आपके फेस में पूरा घुल सा जाएगा, बिल्कुल समा जाएगा। तो उसके बाद आप अपना कोई सा भी मॉइस्चराइजर जो आप यूज करते हैं वो कर सकते हो। और इसे दिन में 2 बार आपको यूज करना है, सुबह और शाम। जब आप सुबह में फेस वॉश करते हो तो उसके बाद इसे आपको इस तरीके से लेना है, इसमें ड्रॉप है ये देखिए, तो इस तरह से ड्रॉप दिया रहता है। तो मैं फेस पे लगा के नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने लगा रखा है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। जैसे आपको एक ऐसे 2-3 ड्रॉप ले लेना है अपने फेस के हिसाब से, फिर इसे आपको उंगलियों से इस तरीके से हल्का ये करके, और ज्यादा नहीं इस तरीके से मिलाना है, और बिल्कुल इस तरीके से करके अपने फेस पे गले पे आपको अच्छे से लगा लेना है। और थोड़े देर के बाद 2-3 मिनट के बाद ही आप देखोगे ना कि ये मतलब अच्छे से घुल जाएगा, आपके स्किन में सूख जाएगा। तो उसके बाद आप अपना कोई सा भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। और मुझसे इसे लगाते हुए मुझे 2-3 महीने से ऊपर हो गए हैं, क्योंकि मैंने इसका एक, और इसे जब आप मंगाते हो तो बहुत लंबे टाइम तक चल जाता है, क्योंकि अगर आप अकेले लगाते हो तो इसमें इतना है, और 2-3 बूंद ही लगाना है आपको, उससे ज्यादा नहीं लगाना है। और हल्का हल्का थप थप करके जैसे इस तरीके से हल्का हल्का फेस में, पूरा मसाज नहीं करना इसे लगा के, बिल्कुल हल्का सा स्किन में इस तरीके से लगा के आपको करना है। और इस तरह से करके आपको थोड़े देर के लिए रखना, छोड़ देना। अगर आप रात में इसे लगा के सोते हो और ऊपर से कोई मॉइस्चराइजर क्रीम लगाते हो, जब आप सुबह उठोगे तो आप खुद देखोगे कि कुछ ही दिनों में जो आपके फेस के दाग धब्बे है ना, कितना का पिंपल का दाग रहता है, कितना का रेड रेड हो जाता है या छाइयां हो जाती है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि धूप के कारण मेरा भी स्किन में पूरा रेड रेड सा हो रखा था, लेकिन जब मैंने इसे यूज करना स्टार्ट किया ना, तो 1-2 सप्ताह के अंदर ही, जैसे 1 सप्ताह हो गया था उसके कुछ दिनों के बाद ही मैंने देखा कि मेरे फेस से जो रेड रेड दाने हैं वो सब बिल्कुल खत्म हो गया है। तो इस तरह से ये अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो। और मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया था, मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने आपको लोगों को इसका रिव्यू आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो इसे आप ठंड में भी यूज कर सकते हो और गर्मी में भी यूज कर सकते हो। गर्मी में भी ये कोई ये नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। जब आप सुबह फेस वॉश करो तो इसे 2-3 बूंद लगा लो, रात में जब आप फेस धोकर सो तो अब आप 2-3 बूंद इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये देख सकते हैं, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है, ये केमिकल फ्री है बिल्कुल भी, और हर्बल चीज से बना हुआ है। तो ये है इसका रिव्यू जो मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। तो ये था सीरम का रिव्यू जो मैंने इस्तेमाल किया, मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैं आप लोगों के सामने लोटस एजिंग क्रीम का रिव्यू लेकर आई हूँ, जो इस तरह का है, और ये भी हर्बल प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं कोई भी केमिकल वाला चीज यूज नहीं करती हूँ, मैं भी हर्बल ही करती हूँ। मैंने हिमालय का भी बनाया था, और कुछ आप लोगों को आगे भी बहुत सारा ऐसा वीडियो लेकर आऊंगी जो हर्बल प्रोडक्ट हो, जिसमें किसी तरह का कोई केमिकल ना हो, क्योंकि मैं केमिकल वाला खुद ही यूज नहीं करती हूँ, सब हर्बल ही लेती हूँ। तो ये है, इसमें भी हर्बल रहता है, लोटस का ये, और इसमें भी दिया हुआ है कि इसमें किसी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है। SPF इसमें 25 है, जो आप अगर सुबह में भी लगाते हो तो आपको फेस पे धूप से भी आपको बचाता है, आप इसे रात में भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो ये क्रीम है ना वो थोड़ा गाढ़ा है, बहुत थिक टाइप का है, कितना क्रीम होता है ना कि जेल टाइप का होता है, बहुत जल्दी ये हो जाता है, ये वैसा नहीं है। इसका जो क्रीम है ना वो थोड़ा इस तरीके का है, आप देखिए, मैं इसे लगाकर आपको अपने हाथों पे दिखाती हूँ। तो ये एंटी एजिंग क्रीम है, जैसे इस तरीके से इसको आपको लगा लेना अपने फेस पे, और मैंने भी फेस पे लगा रखा है इसलिए मैं नहीं फेस पे लगा के दिखा रही हूँ।
तो ये आपके स्किन में ऑल स्किन टाइप के लिए है, और जो मैंने सीरम का रिव्यू दिया वो भी हर तरह की स्किन वाले उसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लगाना है अपने फेस पे, और इससे आपका फेस पे ज्यादा ये भी नहीं होता है कि बहुत चिपचिपा रहे या बहुत ज्यादा आपको मतलब ड्राई लगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आराम से आपके फेस पे मिल जाता है, हल्का सा मॉइस्चराइज भी कर देता है आपके स्किन को, देखिए तो ये बिल्कुल अच्छे से घुल जाता है आपके फेस पे, और एक चमक सा एक ग्लो सा भी ले आता है तुरंत ही। आपको लगाते के साथ ही इसका एक ग्लो आ जाएगा, जो आप खुद देख सकते हैं हाथों में, इसमें थोड़ा सा ग्लो आ गया है। तो लगाने के बाद ही तुरंत ही आपके फेस पे एक ग्लो आ जाएगा इसे लगाने के साथ ही। और अभी इसे मैं यूज कर ही रही हूं, तो ये तो नहीं बताऊंगी कि बिल्कुल ही रिंकल हट जाता है, बिल्कुल नहीं हटेगा, लेकिन जो हल्का दाग है वो आपका कम कर देगा, बहुत हद तक कम कर देगा। और अगर आप इसे लंबे समय तक यूज करोगे तो ये आपका उसे कम कर सकता है, लेकिन जो पहले से आ जाता है ना उसे कम बहुत मुश्किल से होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आगे आपका रिंकल ना आए उसे लिए वो रोके, तो आप इसे यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ये महंगा है क्योंकि मैंने इसे ऑनलाइन लिया है। तो आप भी हो सके तो ऑनलाइन लिए, क्योंकि ऑनलाइन जब आप लोगे ना तो आपको थोड़ा ऑफर पे मिल जाता है, तो कुछ इससे कम में आ जाता है। ये इसमें लिखा हुआ है ना कि 965 का है, 965 का है, तो मुझे इतने में नहीं मिला है, ये इससे कम का मैंने लिया है, इसमें लिखा है 965 आप देखिए। लेकिन जब मैंने इसे ऑर्डर किया था ना तो मुझे ये 500 550 का पड़ा है। तो इसी तरह आपको 550 से 650 तक का आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप दुकान से लोगे तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो पहले जो सीरम लिया है वो भी मुझे ऑनलाइन ही मैंने मंगाया है, तो कुछ जब डिस्काउंट चलता है ना तो इसमें कुछ पैसा कम में आ जाता है आपको, तो ये कम में आपका हो जाएगा। और ये भी अगर आप चाहो तो ऑनलाइन लोगे तो आपको थोड़ा कम पड़ जाएगा, तो आप कहीं से भी ले सकते हो, फ्लिपकार्ट जो भी ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हो वहां से आप इसे ले सकते हो। तो ये आज का रिव्यू था, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दे ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूं आप लोगों को मिल सके। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।